स्टार्च का जो बता रहे थे, स्टार्च लास्ट वीडियो बनाए थे और उसमें बताए थे कि स्टार्च जो है वो मिक्सचर होता है, दो तरह के सब्सटेंस से मिलकर के बना होता है, एक एमाइलोस और एक एमाइलोपेक्टीन से। तो आज आपको बताने जा रहे हैं एमाइलोस और एमाइलोपेक्टीन को। तो यहाँ पे तो देखे ही थे कि एमाइलोस और एमाइलोपेक्टीन ये दोनों से मिलकर के बना होता है स्टार्च। होता क्या है स्टार्च में, तो सिर्फ ग्लूकोज। स्टार्च है क्या? पॉलीसेक्राइड है, यानी कि चेन है किसका? ग्लूकोज का। लेकिन यही ग्लूकोज दो तरह से रहता है स्टार्च में, एक लीनियर चेन में के फॉर्म में भी रहता है और एक ब्रांचिंग के फॉर्म में भी रहता है। मतलब एक तो लीनियर चेन हो गया, दूसरे में चेन पे से कहीं कहीं पे से ब्रांचिंग होता है। तो एक लीनियर चेन में भी होता है, एक ब्रांचिंग के भी फॉर्म में होता है। तो लीनियर चेन में जो होता है वही एमाइलोज होता है, और जिसमें ब्रांचिंग होता है वो क्या होता है? एमाइलोपेक्टीन होता है। और स्टार्च में जो है वो एमाइलोज एमाइलोपेक्टीन दोनों होगा, 10 to 20% जो है वो एमाइलोज होता है और 80 to 90% जो है वो एमाइलोपेक्टीन होता है। ये बात हो गई। और ये बात भी जान लीजिए कि एमाइलोज जो है वो क्या क्या करता है, थिक ग्रेवी बना देता है। मतलब इसका जो मॉलिक्यूल होगा एक दूसरे से कोलाइड करता है, कोलाइड करके ऐसे मिक्स होता है और ग्रेवी गाढ़ा, जो कॉर्नफ्लोर से आप बनाते हैं कोई भी फूड तो कैसे ग्रेवी बन जाता है थिक सा, तो वो एमाइलोज की वजह से। और एमाइलोपेक्टिन जो होता है वो इनसॉलेबल होता है। तो ये बात हो गई। अब यहाँ पे देख लेते हैं एमाइलोज के बारे में। तो एमाइलोज जो है वो में कितना ग्लूकोज होता है, तो 200 से 20,000 ग्लूकोज एक एमाइलोज के चेन में प्रेजेंट होता है। तो इतना ज़्यादा अगर होगा तो क्या करता है वो, हेलिक्स के फॉर्म ले लेता है। और हेलिक्स का जब फॉर्म लेगा तो बीच बीच में ग्लूकोज जो रहेगा ना, तो उन सारे ग्लूकोज के बीच में भी बॉन्ड बन जाता है। ये बात हो गई। इस तरह से चेन रहता है। तो ये ग्लूकोज, ये ग्लूकोज, ये ग्लूकोज, ये ग्लूकोज है, सब ग्लूकोज है अलग अलग, और ग्लूकोज का चेन जो है वो क्या कहला रहा है? एमाइलोज कहला रहा है। अब अगर आ जाते हैं एमाइलोपेक्टीन के बारे में, तो एमाइलोपेक्टीन जो है वो थोड़ा अलग होता है एमाइलोज से, क्योंकि ये हाईली ब्रांच होता है। जैसे कि फिगर आपको दिखा दे रहे हैं, इस तरह से ब्रांच होता है। वो क्या था? वैसे क्लीनियर चेन था, और इसमें क्या हो जाता है, लीनियर चेन पे ब्रांचिंग होगी, यहाँ से ब्रांचिंग होगी, यहाँ से ब्रांचिंग होगी, ब्रांच निकला हुआ रहता है, तो वो एमाइलोपेक्टीन हो जाता है। और इसमें ये भी बात बताया कि शॉर्ट साइड चेन जो होगा ना वो 30 ग्लूकोज मॉलिक्यूल होगा। मतलब इस तरह से जो ब्रांच निकला हुआ रहेगा उसमें 30 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज का ब्रांचिंग बना हुआ रहेगा। और ये भी बात बताया हुआ है कि हर 20वें या 30वें ग्लूकोज पे चेन पे ब्रांचिंग होगा। मतलब कि ऐसे ग्लूकोज जो बन रहा है एक लंबा चेन, और 20वां या फिर 30वां ग्लूकोज जैसे ही आएगा तो वहाँ पे से ब्रांचिंग निकल जाता है। एक ब्रांच में 30 ग्लूकोज यूनिट कम से कम रहता है। और उसके बाद एमाइलोपेक्टिन मॉलिक्यूल्स मे कंटेन अप टू, कितना इसमें ग्लूकोज रहेगा एमाइलोपेक्टिन में, तो एक एमाइलोपेक्टिन में 2 मिलियन ग्लूकोज यूनिट रहता है। और यहाँ पे एक बात दिया हुआ है कि अल्फा 1 अल्फा 2 6 लिंकेज जो बना रहता है। मान लीजिए कि ये यहाँ से देख लीजिए फिगर में, मान लीजिए कि ये ग्लूकोज का एक ग्लूकोज है ना, तो एक ग्लूकोज है, तो इसमें आप नंबरिंग जो करना शुरू कीजिएगा कि 1 2 3 4 5 6 जो नंबरिंग कीजिएगा, तो पहला कार्बन, कार्बन पे नंबरिंग करते हैं, तो पहला कार्बन यहाँ पे होगा और छठा कार्बन यहाँ पे होगा। तो देख के उसी तरह से जुड़ा हुआ रहता है, ये पहला कार्बन और दूसरे ग्लूकोज का ये छठा कार्बन, पहला कार्बन दूसरे ग्लूकोज का ये छठा कार्बन। तो पहला ग्लूकोज का पहला कार्बन और दूसरे ग्लूकोज का छठा कार्बन, इसी तरह से सबके बीच में बॉन्ड बना हुआ रहता है। तो ये हो गई बात एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन की। तो डिफरेंस दोनों में यही होता है, डिफरेंसेस अगर आप देख लीजिए कि कैसे कैसे डिफरेंसेस होता है। तो एक तो डिफरेंस आप ये पढ़िएगा कि एमाइलोज जो है एक स्टार्च में 10 to 20% रहता है और एमाइलोपेक्टिन कितना होता है, 80 to 90% होता है। दूसरा डिफरेंस ये पढ़िएगा कि एमाइलोज जो है वो डिसॉल्व करता है, थिक ग्रेवी ही बना देता है लेकिन डिसॉल्व करता है, बल्कि जबकि एमाइलोपेक्टिन जो है वो इनसॉल्युबल होता है। दो बात हो गई। और तीसरी बात तो आपको ये बता ही रहे हैं कि एमाइलोज जो होगा वो एक लीनियर चेन होगा, जबकि एमाइलोपेक्टिन जो होगा वो ब्रांच होता है। तीन जो इसका हो गया डिफरेंसेस हो गया। इसके अलावा एक ये देख सकते हैं
इसमें जो ग्लूकोज यूनिट होता है वो 200 से 20 हज़ार होता है, जबकि माइलोपेक्टिन में ज़्यादा होता है, 2 मिलियन ग्लूकोज यूनिट्स होता है। तो ये सारे डिफरेंसेस आप देख सकते हैं माइलोज और माइलोपेक्टिन में। अगर हाँ, यहाँ पे एक बात ये भी दिया हुआ है कि द साइड ब्रांचिंग चेन आर क्लस्टर्ड टुगेदर विद इन द माइलोपेक्टिन मॉलिक्यूल्स, यानी कि क्लस्टर मतलब बहुत सारा ब्रांच जैसे रहता है ना, तो पूरा एक क्लस्टर बना देता है उसका। तो ये हो गई बात माइलोज और माइलोपेक्टिन की। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक एक कमेंट कर दीजिएगा, प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ शेयर कीजिएगा।